हीरो ने यहाँ पे मोटू को नॉक कर दिया और सोल के ब्लेजी अभी फिलहाल अकेले जिंदा दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, बट फनाटिक के द डूड आप देख सकते हैं मिनी 14 का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल। इनफैक्ट मार्क्सकाश और द डूड की अगर बात करें, मार्क्सकाश को मैं वन ऑफ द बेस्ट डीएमआर यूजर्स में यू नो काउंट करता हूँ, और साथ ही साथ उनके जो टीममेट रहे थे, फॉर्मर टीममेट, वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन खेलने लगे हैं। मिनी 14 का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन रह रहा है। बट ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स यहाँ पे M5 की तरफ दो दिशाओं से यहाँ पे नेट डालने की कोशिश, चीकू बेली सर्वाइविंग ऑन दैट मैजिक पिक्सल, ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि एंटो का जो दो ग्रेनेड्स गए थे उसका कहर के सामने M5 के प्लेयर्स पीके पड़ चुके हैं। और ये देखिए एंटो भी यहाँ पे क्लच निकालने की कोशिश कर रहे, तीन प्लेयर्स को उन्होंने डाउन कर दिया, क्या वो आखिरी किल भी अपने नाम कर पाएंगे? ये तो एक काफी अच्छा सवाल रहने वाला है, प्लेयर बिल्कुल उनके सामने ही मौजूद है, बचने की कोशिश यहाँ पे F5 के प्लेयर की, बट एंटो स्मोक के पीछे जाके हल्के से शॉट्स लैंड करेंगे और वहां पे उनका भी एग्जिट होता है। बट सोल थोड़ी सेकंड्स पहले ही एलिमिनेट हो गए जिसकी वजह से उनको छठे स्थान पे यहाँ पे एग्जिट लेना पड़ा। वाह, M5 बीइंग एलिमिनेटेड ऑन द फिफ्थ पोजीशन, और इसी के साथ हमारे पास बची है चार टीम्स 12 प्लेयर्स। थोड़ा बहुत क्रेजीनेस तो आई थिंक फिक्सेस हमको देखने को मिल ही गया हमारे आज के फोर्थ एंगल में, पहली थ्री मैच सोल के तीन जो स्क्वाड एलिमिनेशन निकाले उन्होंने वो चीज देखने को मिली। फिर उसके बाद नंबर्स की अगर बात करें तो फिर से बैट साइंटिस्ट यहाँ पे काफी ज्यादा खुश रहने वाले हैं। एक टीम जिसके जो लीड स्पीक में जिन्होंने अपना नाम लिखा था, नाम में पांच नंबर का इस्तेमाल किया था, पांचवें नंबर पे इस गेम में एग्जिट लेती हुई। जी हाँ, और अभी भी ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स आप देखिए इस बार एक बहुत ही शानदार आउटिंग की तरफ जा रहे हैं, और इसमें अगर चिकेटेड निकाल लेते तो शायद वो भी क्वालिफाई कर जाए। और यही सबसे खूबसूरत बात है टीम ऑरेंज रॉक की, कि जितना भी प्रेशर हो सिचुएशन के साथ डील करना जानते हैं, पैनिक नहीं करते। और अभी देखते हैं एंटो इस जिस फॉर्म में चल रहे तो अभी तो आई गेस किल जरूर सिक्योर कर तो लेना चाहिए, और पुश भी कर गए, नॉक निकाला दो प्लेयर्स को, इनफैक्ट यहाँ पे डाउन के वीरू का यहाँ पे नॉक आता हुआ दूसरे प्लेयर के ऊपर, बट खुद ही खुद एंटो नॉकआउट हो चुके। वीरू यहाँ पे किल जरूर कंफर्म करेंगे, बैकअप भी टीममेट्स के जरूर आ जाएंगे, बट उमर और प्रेडेटर उनकी नजरें यहाँ पे रहनी चाहिए टीम फनाटिक के एश की तरफ, क्योंकि एश ने अपना पोजिशन बिल्कुल भी नहीं रिवील करा है। जी हाँ, पोजीशन तो वहां पे रिवील नहीं हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे लेट गेम स्टेजेस में। ऑरेंज रॉक के पास भी एक अच्छा मैन एडवांटेज इसके अंदर मौजूद है इस मैच के अंदर, बट वुल्स के प्लेयर्स वहां पे उन्हें स्पॉट कर चुके हैं। न्यूड यहाँ पे अपनी पोजीशन होल्ड करने की कोशिश करते हैं, और ये फाइनल फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो हो ही रखी है, स्पेशली आईजेन के प्लेयर्स जिस तरह से यहाँ पे खेलते हुए हमको नजर आ रहे हैं उसके चलते। जी हाँ, और ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स 15 किल्स ऑलरेडी अपने ने निकाल चुके, एक अच्छा खासा चिकन डिनर भी मिल सकता है, सर्कल भी उनको बहुत ही बेहतरीन फेवर कर रहा है, और आई गेस स्काउट अभी भी फ्लैंक पोजीशन पे मौजूद है। यहाँ पे उन्होंने अपने टीममेट्स को स्पॉट आई थिंक बैकअप फायर देने की कोशिश करे, क्योंकि वीरू और एंटो को सर्कल के अंदर जाना है। गेल और स्काउट ने अपने लिए एक बहुत अच्छी पोजिशन बना रखी है, काफी सारे स्मोक्स के इस्तेमाल हो रहे हैं, थोड़ी सी ओपन सर्कल है, यहाँ पे एक एयर ड्रॉप भी आया, फनाटिक के एश अभी भी जिंदा है अपने टीम के लिए, और टीम वुल्व्स की तरफ गेल का ये ग्रेनेड जाता हुआ देखते हैं यहाँ पे कनेक्ट कर पाता है या नी नॉक्स देखने को मिलेंगे या नहीं, बट फिलहाल वीरू तो नहीं, एंटो विल पिक अप न्यूट ओवर देयर। उमर का यहाँ पे शॉट आता हुआ था, थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रहे थे बट उसमें सफल नहीं हो पाए। गेल ने यहाँ पे न्यूट का जो किल है वो कन्फर्म कर दिया, 6-9 को भी नॉक कर दिया है। जी हाँ, वहाँ पे नॉकआउट तो देखने को मिल चुका है, बट अभी उसके बाद यहाँ पे फिनिश ऑफ किस तरह से देखने को मिलेगा वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बट नो, यहाँ पे फनाटिक एलिमिनेट होती हुई फोर्थ पोजीशन पे, और उसके बाद ऑरेंज रॉक के जो प्लेयर्स है वो आईजेन के अगेंस्ट फाइट ले रहे हैं। इनफैक्ट दो स्प्लिट फाइट यहाँ पे ऑरेंज रॉक की तरफ से ली जा रही है। गिल को देखिए, वो जिस पोजिशन पे है वहां पे वो वुल्स के प्लेयर्स को कंप्लीट ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं और बहुत प्रेशर डाल सकते हैं, और आईजेन को तो यहाँ पे सिर्फ ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को बस गेट कीप ही करना है। अगर वो उनको ब्लू जोन में ज्यादा देर तक फोर्स आउट करते हैं तो उस चीज से एडवांटेज मिल सकता है। वुल्स यहाँ पे एग्जिट लेते हुए क्लच फिनिश ऑफ हो चुके हैं, और अब मैन एडवांटेज के साथ ऑरेंज रॉक एक बहुत ही कंफर्टेबली ये चिकन डिनर ले जाती हुई इस मैच के अंदर। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि लीडर बोर्ड में काफी पीछे चल रहे थे, आई थिंक ये मैच वो सारी चीजें बदल के रख देगा, और ऑरेंज रॉक